नमः शिवाय मित्रों, मैं महेंद्र कदम मायागी रुद्राक्ष में आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग रुद्राक्ष को ऑयल तेल कैसे लगा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कैसे डेलिकेटली हमको वो काम करना है, ये देखना है, ये समझना है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में रुद्राक्ष का ध्यान कैसे रख सकते हैं, उसको साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं, उसका लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको तरोताज़ा कैसे रख सकते हैं, फ्रेश कैसे रखते हैं, उस प्रोसेस के बारे में बताया था। उसमें रुद्राक्ष का ऑयलिंग भी एक बहुत ही अहम हिस्सा था। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष को ऑयलिंग कैसे कर सकते हैं, जो प्रोसेस आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपकी आंखों से, तो एक विनंती है कि ये वीडियो आप आखिर तक पूरा देखिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, मैक्सिमम आपसे जितना बनता है उतना मेरे इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स, कलीग्स, जो भी लोग इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, उनमें मेरा यूट्यूब ये पर्टिकुलर वीडियो हो गया या कोई भी वीडियो, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक आप शेयर कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, मैक्सिमम लोगों का सपोर्ट एक्सपेक्ट करता हूं, मैक्सिमम लोगों का आशीर्वाद सपोर्ट एक्सपेक्ट करता हूं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप मुझे सहकार्य करेंगे मेरे वीडियो स्प्रेड करने में, उतना ज़्यादा मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ, यूनिक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाऊँ। जैसे अभी तक मैंने बहुत सारे यूनिक टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी रुद्राक्ष के ऊपर वीडियो बनाए हैं, उनके मुखीज के अलावा और भी बना रहा हूँ, आगे भी बहुत बनाने हैं। जैसे मैंने पहले मेरे एक वीडियो में कहा था कि रुद्राक्ष की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मुझे और बहुत सारे डिवाइन और स्पिरिचुअल आर्टिकल्स के वीडियोज़ बनाने हैं। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट, आपका ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद कंटिन्यूस रखिए और मुझे प्रेरणा देते रहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की रुद्राक्ष की ऑयलिंग की प्रोसेस जो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने एक जो हम लोग हमारे दांत क्लीन करने के लिए जब टूथब्रश जो हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब आप जो दांत घसते हैं वो ब्रश आपको यूज़ नहीं करना है, आपको मार्केट से एक नया ख़रीदना है जो स्पेसिफिकली आपको स्पेयर में रखना है इस काम के लिए ही, रुद्राक्ष के ऑयलिंग के लिए। और ये प्लेट है, इस प्लेट में मैंने बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में ऑयल लिया है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा लगता नहीं है। वैसे एकदम थोड़ा थोड़ा आप लगाएंगे डेलिकेटली तो वो ज़्यादा ऑयल लगता नहीं है। और मेरा जो ऑयल है वो सैंडलवुड ऑयल मिक्स विद ऑलिव ऑयल है। ये देखिए, एकदम जेंटली आपको रुद्राक्ष के ऊपर ये ऑयल लगाना है, कोई भी फोर्स या ताकत अप्लाई नहीं करना है। उससे रुद्राक्ष के जो पोर्स होते हैं, बाहर के जो हार का जो स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज होने का चांस होता है। तो एकदम जेंटली आपको इसको ऑयल को अप्लाई करना है। आपके घर में जो भी ऑयल है वो ऑयल आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मेरा एक ब्रेसलेट हो गया तीन रुद्राक्ष का ऑयल करके, ये अब मैंने दूसरा ब्रेसलेट लिया है। ये मेरे पूरे छः मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट है जो मैं पहनता हूँ। छः मुखी कार्तिकेय भगवान का है तो वो ग्राउंडिंग, फोकस और विल पावर बढ़ाने में आपको वो हेल्प करेगा। बहुत ही अच्छा परिणाम आता है इसको, वॉरियर लाइक क्वालिटी देता है, योद्धा की क्वालिटी देता है आपको ये रुद्राक्ष पहनने के बाद, ये पर्टिकुलर सिंगल रुद्राक्ष या जैसा मैं पहन रहा हूँ वैसा ब्रेसलेट। अगर आपको कैसा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई स्पेसिफिक ऑयल करेंगे तो ही रुद्राक्ष को फ़ायदा होगा या कैसे क्या है वो भी बताइए, तो रिपीटेडली मैं जैसे बता रहा हूँ, कोई भी रुद्राक्ष का ऑयल, कोई भी ऑयल आपके घर में, कोकोनट या फिर ऑलिव ऑयल या फिर सैंडलवुड ऑयल मिक्स विथ ऑलिव ऑयल आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ऑयल ही चाहिए तो ही वो उसके ऊपर अप्लाई होता है, अन्यथा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये मेरा नाइन मुखी रुद्राक्ष है जो मैं कंठ के पास पहनता हूँ, या फिर कभी कभी थोड़ा नीचे भी पहन सकता हूँ। कोई भी रुद्राक्ष गले में आप कहीं पे भी पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे ही अब एक पर्टिकुलर तरीके से उसको पहनना है गले में इस लेवल पे, या फिर वो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये मेरा कंठा माला है जिसको हम लोग गुरु माला भी बोलते हैं। पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था, लेटेस्ट मेरा जो वीडियो है वो इसी विषय पर बनाया था, पाँच मुखी रुद्राक्ष की कंठा माला जिसको अल्टरनेटली गुरु माला भी बोलते हैं। ये सारे पाँच मुखी हैं, ये हर रुद्राक्ष के बीच में आप जैसे देख रहे हो नॉट है, गांठ है। तो ये अगर आपको थोड़ा अलग डिज़ाइन चाहिए तो सिमिलर वेज में, लेकिन गांठ के बजाय आप उलन स्पेसर, जैसे वेलवेट का कपड़ा होता है उसको आप डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा फैंसी चाहिए वो माला दिखने में। तो ये माला बेसिकली आपको कॉन्सेंट्रेशन में, साधना में, मेडिटेशन में, ध्यान में
बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम देते हैं, स्टेबिलिटी में, स्थिरता में ये बहुत ही आपको चमत्कारिक फ़ायदे देंगे। और इसका माला का प्राइस भी बहुत मिनिमम है, तो आपको अगर कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस चीज़ किसी संत आत्मा को या किसी रिलीजियस पर्सन को या धार्मिक पर्सन को गिफ्ट देना है तो इससे बेहतर गिफ्ट होता नहीं है। कोई क्वांटिटी में अगर देना है तो भी आप दे सकते हो। जैसे मैंने कहा, प्राइस इस माला का बहुत कम होता है, दिखने में भी अच्छी होती है, रिज़ल्ट भी उसके बहुत ही अच्छे हैं, बढ़िया है। तो ये कंठा माला है मेरी। आपको ध्यान रखना है कि सरफेस को आप डैमेज ना करें, जितना मैक्सिमम हो सके उतना लाइटली उसके ऊपर ऑयल लगाएं। और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। देखिए, आपको मैं जैसे आपसे बात करके ये काम कर रहा हूँ, तो मैंने लगभग 2 ब्रेसलेट ऑयल कर दिया ऑलरेडी। एक मेरा सिंगल नाइन मुखी का पेंडेंट ऑयल कर दिया, और ये 33 दानों की कंठा माला भी लगभग अभी ख़त्म होने आई है ऑयलिंग के बाद। तो ये ज़्यादा जो प्रोसेस है ऑयलिंग की, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट, डिपेंड आपकी क्वांटिटी क्या है रुद्राक्ष की। और बस ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, ज़्यादा पैसा भी आपको खर्चा नहीं करना है इसमें। बहुत ही इजी आसान तरीका है रुद्राक्ष को ऑयलिंग करने का। डिवाइन चीज़ है, स्पिरिचुअल चीज़ है, उसको साफ़ रखे, साफ़ सुथरा रखे, ऑयल करे, उसकी लाइफ बढ़ाए। जैसे मैं कहूँगा कि आपको रुद्राक्ष से रिजल्ट पाना है अच्छा, तो रुद्राक्ष का ध्यान रखिए। रिलीजियस चीज़ है, डिवाइन चीज़ है, स्पिरिचुअल चीज़ है, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिए। एटलीस्ट ये 2 काम तो आप कर ही सकते हैं, इतना टाइम तो हम सबके पास होता ही है। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। ओम नमः शिवाय।